1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में मुश्किलों को पार करते हुए पाकिस्तानी सेना को ऊंचे पहाड़ों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई। चरवाहों ने कारगिल इलाके में सशस्त्र घुसपैठियों के मौजूद होने की जानकारी दी। इसके बाद टोही मिशन शुरू हुए, जिससे रणनीतिक तौर पर अहम मानी जाने वाली जगहों पर पाकिस्तान के कब्जे की बात सही साबित हुई। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में सभी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। मुझे आदेश मिला कि आपका कंपनी कारगिल जाना है, अब तैयारी करो, अपना अपना प्लाटून को तैयार करो बोला। उसी टाइम 6-7 ट्रक आ गया। हमें ये मालूम नहीं था कि कारगिल लड़ाई हो रहा है नहीं रहा, हमें कुछ मालूम नहीं था। भारतीय सेना ने अपने इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। हालांकि इलाके और युद्ध के तरीके ने भारतीय सैनिकों के सामने कई चुनौतियां पेश की। सैनिकों को ऊंचाई से हो रहे हमले, भारी गोलीबारी, ठंडी हवा, ज्यादा ऊंचाई से होने वाली बीमारी और जरूरत के मुताबिक उपकरण न होना जैसे चैलेंज से जूझना पड़ा। NH-1A पर लगातार गोलीबारी से रसद से जुड़ी मुश्किलें पैदा हुई। इन बाधाओं के बावजूद आर्टिलरी और एयर पावर से मिली मदद से किए गए जोरदार हमलों से भारतीय सेना ने टाइगर हिल, टोलोलिंग जैसी अहम चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया। As I said, it was an unprecedented move, and so the complete convoy, all stock and barrel, and moving at such a short notice through the Zojila Pass towards a place by the name of Dras, and we halted at Pandras, which is quite a cold and high altitude place, and so challenges were that. We were going into a completely unfamiliar terrain without much information and totally unacclimatized. भारत ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले करके पाकिस्तानी ठिकानों पर डबल फ्रंट अटैक किया। साथ ही उसने मुश्किल चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान के हमलों को बेहतर तरीके से नाकाम कर दिया। भारी नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान को अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। भारत ने 4 जुलाई 1999 को ऐलान कर दिया कि उसने टाइगर हिल की चोटी दोबारा फतह कर ली है और भारतीय सेना ने द्रास टाउनशिप पर फिर से कब्जा कर लिया। 12 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को सभी इलाकों से कब्जा छोड़ना पड़ा। 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई 1999 को युद्ध के आधिकारिक तौर पर खत्म होने की घोषणा की गई। कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1363 घायल हुए और एक युद्धबंदी मारा गया।